इजराइल के सबसे बड़े एयरोस्पेस निर्माता इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 2012 में कम से कम $155 मिलियन का हस्तांतरण किया, जो दो कंपनियों को कथित तौर पर अजरबैजान के क्लिप्टोक्रेटिक अभिजात वर्ग के लिए एक गुप्त स्लश फंड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। रूसी खोजी रिपोर्टिंग वेबसाइट महत्वपूर्ण कहानियों पर प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि एक दूसरी इजरायली राज्य के स्वामित्व वाली हथियार निर्माता इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड IMI सिस्टम्स लिमिटेड 2017 में इन दो समान स्लश फंड कंपनियों में से $5 मिलियन के करीब स्थानांतरित हुई। महत्वपूर्ण कहानियों में बताया गया है, इन दोनों ऑफशोर कंपनियों के बैंक खातों को रूसी बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्लब द्वारा सेवित किया गया था, जो रूस के सरकारी स्वामित्व वाले हथियार निर्माता और निर्यातक रोस्टेक के CEO सगे चेमेजोव की पत्नी के स्वामित्व में है। आंशिक रूप से US स्वीकृत पुतिन की पत्नी के स्वामित्व वाले एक बैंक ने दो सरकारी स्वामित्व वाले इजरायली हथियार निर्माताओं के संदिग्ध भुगतानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कथित तौर पर अजेरी कुलीन वर्ग के सदस्यों द्वारा नियंत्रित थे। महत्वपूर्ण कहानियां रिपोर्ट दिसंबर 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी फिनचेन के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के साथ न्यूयॉर्क के बैंक द्वारा दायर एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट या SAR पर आधारित है। SAR अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ICIJ के साथ फिनचेन दस्तावेजों के रिसाव के हिस्से के रूप में सार्वजनिक हो गया और दुनिया भर में 108 अन्य मीडिया आउटलेट और कुछ 400 पत्रकारों के साथ रूस में ICIJ का भागीदार। फिनचेन को एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करने का मतलब यह नहीं है कि दस्तावेज में उल्लिखित व्यक्ति या कंपनी ने कुछ भी अवैध किया है। इस तरह की रिपोर्टों में वर्णित लेनदेन पूरी तरह से वैध व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है, जो उन पैटर्न के अनुरूप हुआ जो वित्तीय संस्थान द्वारा उन्हें रिपोर्टिंग करने के संदेह को जगाते हैं। दिसंबर 2017 में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने IMI सिस्टम्स लिमिटेड से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स कंपनी जेटफील्ड नेटवर्क को $5 मिलियन भुगतान के संबंध में एक सा दायर किया। जेटफील्ड नेटवर्क की स्थापना 2009 में न्यूजीलैंड में हुई थी और बाद में इसे फरवरी 2012 में मार्शल आइलैंड्स में शामिल कर लिया गया था। इसने मूल रूप से खुद को वाणिज्य में संलग्न बताया, जिसमें निर्माण उपकरण खरीदना और बेचना भी शामिल था, लेकिन बाद में परामर्श सेवाओं में शामिल हो गया। यह मूल रूप से खुद को वाणिज्य में लगे हुए निर्माण उपकरण खरीदने और बेचने सहित वर्णित करता है, लेकिन बाद में परामर्श सेवाओं में बदल गया। कंपनी के लाभार्थी जावीद हुसैनोव हैं, जो 1961 में जन्मे एक एजरी आदमी हैं। हुसैनोव भी एस्टोनिया में शामिल कंपनी लॉकस्टोन लिमिटेड के लाभार्थी हैं। मीडिया के एक पत्रकार के अनुसार हुसैनोव के पास एक सार्वजनिक प्रोफाइल का बहुत अधिक हिस्सा नहीं है और महत्वपूर्ण कहानियों की रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि वह एक नामित स्वामी हो सकता है। जैसा कि जर्नोस द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि जेटफील्ड और लॉकस्टोन ने एक साथ 2012-2014 में इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से भुगतान में $150 मिलियन से अधिक प्राप्त किए। इसके तुरंत बाद कंपनी ने अजरबैजान के साथ $1.60 बिलियन के हथियार सौदे पर हस्ताक्षर किए। महत्वपूर्ण कहानियों के अनुसार सभी तीन कंपनियों जेटफील्ड लॉकस्टोन और बकिनशाद ग्रुप के पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्लब के साथ बैंक खाते थे। जेटफील्ड और लॉकस्टोन को 2017 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP द्वारा उजागर किया गया था, जो कि अजरबैजान लॉन्ड्रोमेट के रूप में जाना जाता है।